नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री अध्यापक शिक्षकों से उनके जो लाभ भत्ते हैं उन पर क्या कह रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं, चलिए सुनते हैं लाइव, लेट्स गो। दूसरा, जो भी आप लोगों की सेवा शर्तें और गवर्नमेंट के जो परमानेंट एम्प्लॉई है उसके अनुसार जो सुविधाएं दी जाती है वो आप लोगों को मिलेगी। शिक्षा विभाग ने ऐसा आदेश, हम लोगों ने, आप लोग लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे, जैसे सातवें वेतन मान आपको जो नहीं मिल पाया है तो आगे आपको उसका मिलेगा, जो डीए टीए ये सब जो पात्रता है वो सब आप लोगों को मिलेगी, जैसे आपके अनुकंपा नियुक्ति, आपको आवास अलॉटमेंट, चिकित्सा भत्ता, सभी जो आप लोगों को पहले नहीं मिल पाता था, जो पहले से जो शिक्षा विभाग के शिक्षक थे उनको तो मिलता था, लेकिन चूंकि आप लोगों के नगर पंचायत, नगर पालिका और उससे आपके जिला पंचायत, जनपद पंचायत के संविदा के रूप में आप लोगों ने लंबे समय तक काम किया, उसके बाद हम लोगों ने इसमें सम्मिलन करने के बाद जो सेवा शर्तें थी शासकीय, सभी सुविधाएं आप लोगों को मिलेंगी। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं, आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए शासन पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम लोग काम करेंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए जो शिक्षा की गुणवत्ता है, जो कमियां हैं उसको दूर करने की जिम्मेदारी आप लोगों के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। हम चाहते हैं कि स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था में सुधार हो, गुणवत्ता आए, मध्य प्रदेश के बच्चे अच्छे से बनकर, पढ़कर, लिखकर देश में नाम रोशन करें, इंटरनेशनल लेवल पर निकल कर जाएं। सरकारी स्कूलों में जो हमारे शासकीय शिक्षक हैं वो तैनात हैं, वो समय पर वहाँ उपस्थित हैं, बच्चों के साथ एक पारिवारिक माहौल बनाकर और बच्चों के माता पिता के साथ में मिलजुल कर वहाँ जो शिक्षा उनको मिलती है, उनका स्कूल का अपना एक रिजल्ट, उपस्थिति, ये सारी चीजें हमारे लिए पहले हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग इस ओर ध्यान देंगे और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के जो आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं। और जो लोग जहां कमियां हैं, हर आदमी से मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई व्यक्ति पूरी तरह परिपक्व है, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और कैसे हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग अगर रहा तो मध्य प्रदेश की जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार आया है, गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, अनेक हमने निर्णय लिए हैं उसमें भी हम चाहते हैं कि आप सब लोग उसमें सहयोग करें। कई लोगों ने पहले हमें ये बताया, कई लोगों ने कहा कि नहीं आप परीक्षा ले रहे हो, कई हमें मीडिया वाले आए कि साहब वो शिक्षक से परीक्षा तो ले रहा हो लेकिन उन्हें आप किताबें लागू कर रहे हो। हमने सब चीज हमने ये कहा, जहां तीन साल से लगातार रिजल्ट कमजोर आ रहे थे, सिर्फ उन्हीं स्कूलों को आइडेंटिफाई हो जहां 30% से कम आ रहे थे, उनसे ये कहा कि आप जो भी प्रश्न आप अपन बच्चों को देते हैं उसको सॉल्व करना आना चाहिए, पढ़े लिखे, हमने कहा किताब से भी आप देख के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर जरूरी नहीं कि सब लोगों को एक साथ सारी चीजें आती हो, अगर कुछ लोग रह जाते हैं तो उनको हम 2 महीने अभी प्रशिक्षित करेंगे जिससे कि जो हमारा दायित्व है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, स्कूलों का, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हम एक नया परिवर्तन और एक नई गुणवत्ता के साथ काम करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का नाम और मध्य प्रदेश के नौनिहाल यहाँ से जो बच्चे हमारे हैं उनकी जो उपस्थिति है वो स्कूलों में बढ़ना चाहिए। हम समय पर कोशिश हमने की है कि इस साल साइकिल समय पर मिले, हमने कोशिश की है कि अच्छा मिड डे मील मिले, हमने ये कोशिश की है कि जो किताबें दी जाती हैं वो किताबें पूरी समय पर बच्चों के लिए मिल जाए। पिछले सालों में आपने देखा होगा कि लंबे समय तक लास्ट तक अब साइकिल जिसको बच्चे को तो आज जाना है लेकिन उसको अगर 6 महीने बाद साइकिल मिलती है तो आधा तो टाइम उसका उसी में खराब हो जाता है। किताब अगर उसको 2-3 महीने बाद मिलती है तो उसको पढ़ाई में बहुत सारा कोर्स निकल ही जाता है, पीरियड निकल जाते हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सुविधाएं स्कूल में है
और आप लोगों की। मैं चाहता हूं सभी, मैं सभी अध्यापकों का, सभी गुरुजनों का, सभी शिक्षकगणों का, सभी प्रचारियों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, जिससे मध्य प्रदेश में एक नया, जिससे आपका मान सम्मान, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय कमलनाथ जी, उनकी भी ये सोच है कि मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए सुधार के काम होए। आप लोग सहयोग करें, आप लोगों के लिए जो भी हमने निर्णय लिए हैं निश्चित रूप से उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा, और जिससे आप लोगों में एक उत्साहवर्धन होगा और उसका लाभ हमें स्कूली शिक्षा में और अच्छा करने में मिल सकता है। ये मैं, और आपने आज हमारा यहाँ पर स्वागत किया यहाँ पर, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत बिल्कुल, आप अलग ना चाहते, आप और हम सब मिलकर काम करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुराम जी जिंदाबाद, प्रभुराम जी जिंदाबाद, प्रभुराम जी जिंदाबाद। मैं, मेरा सोच ये है कि अगर मैं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात करता हूँ तो आप भी वही बात, आपके मन में भी वही आना चाहिए कि हमें भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। तो सम्मान हमारा नहीं, आप सबका, मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश के जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनके माता पिता का, उनसे हमने पीटीएम लागू की पिछले फरवरी माह में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, इसलिए की है कि उनसे तालमेल रहे, एक बच्चे का घर भी स्कूल का, दूसरा स्कूल है उसका, एक मंदिर है उसका, तो उनके माता पिता से तालमेल बनाकर अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए भी एक अच्छा खुशी मिलेगी, और मध्य प्रदेश में हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को और बढ़ावा दे सकें, इसमें आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित। सर एक दो प्रश्न से निवेदन था सर, कि एक साल एक परिसर में ये कई स्कूल एक साथ मिलाए गए हैं, और उसमें चूंकि डाई स्कोर जब तक एक नहीं होगा तो वो एक साल एक परिसर का जो असली मोटो है वो पूरा सिद्ध नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि जानकारी चार जगह अलग अलग भेजी जानी पड़ रही है, और एक साल एक परिसर तो कर दिया है लेकिन जानकारी अलग 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 डाई स्कोर में मांगी जाती है। आप ये लिख के दे दो, उसमें मैं बात करूंगा जो हो सकता है। दूसरा निवेदन सर ये था कि संडेज में जितनी भी अपनी ट्रेनिंग चल रही है, एक संडे मिलता है शिक्षक को, उसमें भी हर संडे ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर कर दिया सर, थोड़ा सा उसमें ट्रेनिंग के लिए कम से कम खास का एक संडे तो छोड़ दिया जाए सर, हर संडे में ट्रेनिंग हो रही है लगातार, किस में हमें से ही थोड़ी ट्रेनिंग हो रहा है यार, एक बार अगर हम सीख जाएंगे तो जल्दी से थोड़ी ट्रेनिंग होना, आप हमें से ही ट्रेनिंग करते रहोगे सर, चल रही लगातार चल रही है, दो महीने से लगातार ट्रेनिंग हो रही है, लगातार ट्रेनिंग चल रही है। आप लोग सीखना नहीं चाहते, फिर आदमी को समय जब भी मिले, हम तो कहते हैं 24 घंटे में जब भी आदमी को समय मिले तब आदमी को करना चाहिए, और एक बार जब आप स्कूल में जाना चाहते हो, नई चीज अगर कोई विभाग में लागू हो रही है आपको समझ में आएगी तभी तो आप कहोगे, आप जाना नहीं चाहते हो, आप कह रहे हो नहीं मुझे टाइम नहीं, सर एक जो हमारे फिजिकल टीचर हैं जो एजुकेशन से कुछ व्यायाम जो ट्रेंड है फिजिकल कॉलेज से शिवपुरी, एक पूरा मध्य प्रदेश का इकलौता कॉलेज है, वहाँ से हम अपने टीचर को ट्रेंड करते हैं, और ट्रेंड करने के बाद वो आज भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में बने हुए हैं, यदि उनको जो भी है आप लिख के दे दीजिए हमें, जो संभव होगा हम करेंगे, लेकिन मेरा पहला मतलब है कि आप पहले नंबर वन पे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाओ, अध्यापक अध्यापक कांग्रेस बिल्कुल पहले बच्चों के लिए काम करो, स्कूल के लिए काम करो, उसके बाद अपने बिल्कुल, सिर्फ आपका अगर अध्यापक कांग्रेस अगर बनी है तो सिर्फ अपने खुद की सुविधाओं के लिए नहीं, आप जिस स्कूल में हो उसके बच्चों के लिए भी आप जो आदेश निकालेंगे उसका 100% पालन करें। कांग्रेस का पहला उद्देश्य ही सर है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सर पहला उद्देश्य तो दोस्तों आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री अध्यापक से शिक्षक जो बने हैं उनकी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं, और जो स्कूली शिक्षा गुणवत्ता है किस प्रकार सुधार कर रहे हैं, क्या क्या पूरा नियम उन्होंने यहाँ बताए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि जो अभी उन्होंने बात की है कि सादा वेतनमान और जो सारी सुविधा है आदेश इसके जारी कर दिए गए हैं, कब तक धरातल पर आते हैं और कब तक अध्यापक से जो शिक्षक बने हैं उनको मिल पाते हैं, आपको क्या लगता है, अपने विचार सुझाव आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आगे आपको ऐसी लेटेस्ट जानकारी न्यूज अपडेट मिलती रहे इसलिए आप रानोल फैमिली से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने जो भी विचार हैं सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं प्रभुराम शिक्षा मंत्री ने क्या तो दिया है कि ये सारी सुविधा आपको मिलेंगी, लेकिन देखना है कि कब तक
मिलेंगी, तो आप बने रहें न्यूज टुडे पर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार।